रहा था कि पार्ट टाइम के ऊपर जल्दी से वीडियो बनाऊंगा, तो ये है वीडियो और इसमें हम लोग सब बात करेंगे कि पार्ट टाइम जॉब यूके में कैसी होती है, कितना आप पैसे कमा सकते हो और फीस आपकी निकल सकती है कि नहीं, ये सब बात करेंगे। एंड तक वीडियो देखने का, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन है और हमारे सारे एक्सपीरियंसेस हम लोग शेयर करेंगे। मिस्टर गांधी इंडिया करके एक रेस्टोरेंट है, हाँ, वहाँ पे मिला था मुझे एक वेटर के, हाँ, वैसे। और तेरे को फिर पैसे कितने मिलते थे? पैसे मिलते थे मिनिमम वेज मिलता था ना, हाँ। तो मिनिमम वेज उस समय था, क्या था कि मिनिमम वेज से भी कम दे रहा था। अच्छा, तो अच्छा 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 ओके, क्योंकि छोटा सा रेस्टोरेंट था। तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे आपको कुछ लोग मिलेंगे आपको, ठीक है, जहाँ पे आप जाओगे काम करने के लिए, स्पेशल इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह ऐसे कुछ, हाँ। हो सकता है आपको वो ऑफर करे कि मिनिमम से भी कम पैसे दे, ऐसे देने की कोशिश करे, तो आप ना ले वो, क्योंकि आप मिनिमम वेज के लिए आप एप्लीकेबल है, तो आपको उतना वेज तो मिलना ही चाहिए आपके एज के हिसाब से, ठीक है। तो मतलब तुझे 8.36 उस समय मिलना चाहिए था, हाँ, 8.91 मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था, हाँ, पर नहीं मिला, नहीं दे रहा था मुझे, 6 पाउंड ही दे रहा था, राइट। तो एक घंटे का आपका जो, अगर आप 30-23 के ऊपर हो तो आपको अभी का वेज अभी बढ़ गया है, 9.5 है ना, हाँ, 9.5, तो 9.5, उतना 9.5. आपको मिलना ही चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे आके काम करोगे तो 9.5 आपको वेज मिलेगा मिनिमम हर जगह से, आप वो मांग सकते हो। मैं आया था तो जनवरी एंड तक मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी, हाँ। तो वो पार्ट टाइम जॉब का ऐसा था कि ये ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी बात है, तो मिनिमम वेज था 770, हाँ। तो मैंने थोड़ा निगोशिएट किया, हाँ। तो मुझे लकीली 8 pounds पर आवर से मिलने लग गया था, ओके। तो वो मेरी पहली जॉब थी रेस्टोरेंट में, okay. तो मैं वो जॉब कर रहा था, ऑलमोस्ट हाँ. मैंने कुछ 4-5 months तक वो जॉब कंटिन्यू की, फिर तो उसके बाद एक्चुअली हुआ क्या था कि वो जो रेस्टोरेंट था वो काफ़ी छोटा था, तो हाँ. मुझे वर्किंग आवर्स कम मिल रहे थे, हाँ. और मैं फ्री था तो मैं देख रहा था ज़्यादा वर्किंग आवर्स के जो मुझे मिल नहीं रहे थे, राइट, क्योंकि आपको 20 hours के लिए आप एलिजिबल होते हो, आपके वीज़ा पे लिखा रहता है कि आप 20 hours काम कर सकते हो। बहुत लोगों को सवाल होता है कि 20 hours काम कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप, उससे ज़्यादा करोगे तो आप प्रॉब्लम में आप पड़ जाओगे। बहुत लोग पूछते हैं कि कैश इन हैंड वगैरह का क्या सीन है, तो वो बहुत इलीगल तरीका है भाई, पीछे इलीगल है, वीज़ा एक्सटेंड करना, हाँ। वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ऑलरेडी मेरे पास हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस था, हाँ। और यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, हाँ। तो उसके बेसिस पे मुझे नई जॉब मिल गई थी, हाँ। सेम रेस्टोरेंट में मिली थी, लेकिन ये बड़ा वाला रेस्टोरेंट था। वहाँ पे फिर मैंने स्टार्ट किया तो 20 hours पूरे कम्प्लीट होते थे मेरे, और उस हिसाब से मेरा जो इनकम आता था उस इनकम में मेरे जो डेली के जो एक्सपेंसेस है, जैसे तुम्हारा फूड, ट्रैवलिंग, हाँ, और रेंट निकल जाता, ये 3 चीज़ें निकल जाती थी, सही है। और फिर उसके अलावा थोड़ा बहुत सेविंग्स भी हो जाता था, जिसमें तुम अपने ऊपर के जो एक्सपेंसेस है, हाँ, जो भी वो तुम खर्चा निकाल सकते हो, सही है। तो, लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंट, ये चीज़ है आपको ध्यान में रखने की, कि यहाँ पे आने से पहले अगर आप कोई एक्सपीरियंस ले लो कहीं से, इंडिया से अगर कहीं आप छोटे मोटे रेस्टोरेंट में काम कर लो, जो भी मैकडॉनल्ड्स है, KFC है, वहाँ पे जाओ एक हफ्ते के लिए कर लो, भले अगर आप वो लोग आपसे पैसे मांग रहे हो ना कि 1,000 rupees ले लो या कुछ कर लो, तो आप वो पैसे दे दो उनको, ठीक है जी, और वो एक्सपीरियंस ले लो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा उनको। आपने अगर वहाँ का एक्सपीरियंस ले लिया ना एक बार, तो बात ये हो जाएगी ना कि आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस रहेगा, आप बता सकते हो उनको, है ना, कि यहाँ पे आके कि ठीक है मैंने इंडिया में काम किया, ये जहाँ पे काम किया और मैंने ऐसे ऐसे काम मुझे आता है, तो आपको तुरंत रख लेंगे, हाँ, वो काफी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। और पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी होती है बहुत है यहाँ पे, बहुत बहुत ज्यादा, स्कॉटलैंड में है, यूके में, पूरे इंग्लैंड में, हर जगह, हाँ, बस ढूंढना पड़ेगा। आपको रेस्टोरेंट में अगर काम करना है तो रेस्टोरेंट में जाके CV देनी पड़ेगी, आप जहाँ पे भी काम करना चाहते हो जाके CV देनी पड़ेगी। अभी तो काफी फ्लेक्सिबल वो एप्स आ गए, इंडीड फ्लेक्स, गिग, ये सब आ गए, लिंक्डइन पे भी होता है, तो भी है, हाँ, तो यहाँ पे इंडीड फ्लेक्स वगैरह जैसे गिग है, इन सब पे आर्क हो गया, इन सब पे जाओ ना आप कर लो तो आपको शिफ्ट मिलते रहेगी, आपको ये लोग, हाँ, किसी भी रेस्टोरेंट में भेज देंगे, शिफ्ट मिलते रहेगी, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी एक अच्छा है। अगर आपको तुरंत अगर कोई जॉब नहीं मिल रहा है परमानेंट वाला, ऐसे कोई पार्ट टाइम का, तो आप ऐसे ये ऐप भी यूज़ कर सकते हो, जो ज्यादा बेटर है एक्चुअली, वेयरहाउस में काम करना, खाना, जैसे रेस्टोरेंट में काम करोगे ना तो खाना मिल जाएगा एक टाइम का, तो आपका खाने का शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट आप पढ़ाई भी करोगे, काम भी करोगे, तो खाना बनाने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी आती है बहुत लोग को, और इंडिया से जो लोग आते हैं उनको नहीं आता है बनाना। मोस्टली क्या होता है कि अगर आप रेस्टोरेंट में जॉब करोगे तो आपका खाने का शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत, वो एक चीज़ अच्छी हो जाएगी। तो और बाकी अगर फिर अगर आपको कहीं और काम करना है तो फिर आपको वेजेस अच्छे मिलेंगे दूसरे काम के, डिपेंड करता है,
ये सब चीज़ें हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो भी काम करो एक्सपीरियंस अगर इंडिया से लेके आ जाओ ना, तो आपको यहाँ पे इनसे बैठ के वेज बढ़ाने की बात कर सकते हो। हाँ, बेसिकली तुम्हारे पास स्ट्रांग पॉइंट होता है कि तुम्हारे पास वर्क एक्स है, तो उसके बेसिस में तुम वेजेस बढ़ा सकते हो। इवन पार्ट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ये हम लोग अभी पार्ट टाइम की बात चल रही है, पार्ट टाइम के लिए भी वर्क एक्सपीरियंस लगता है, अच्छा रेज्यूमे लगता है, ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के आपको दे देगा। तो आप ट्राई करें कि आप थोड़ा कोई एक्सपीरियंस लेके आए किसी चंदू चाय वाले से या किसी से भी, और वो सीवी में लेके आए। दो सीवी आपकी बनेगी यहाँ आने के बाद, एक आपकी परमानेंट जॉब के लिए, एक आपकी बनेगी पार्ट टाइम जॉब के लिए। सीवी के ऊपर एक बार हम लोग बैठ के वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपके लिए आपको पार्ट टाइम की एक सीवी अलग से बनानी पड़ेगी कि आपने हॉस्पिटैलिटी में क्या क्या काम किया है, ऐसे कुछ जो भी आपको काम देखना है रेस्टोरेंट में वगैरह इधर उधर वेटरिंग या ये सब, तो आपने क्या काम किया है और वो काम के रिलेटेड आप एक दो एक्सपीरियंस जोड़ दे तो बेस्ट हो जाएगा आपके काम मिलने के लिए। आपको तुरंत कोई भी काम दे देगा और आपको वेज भी ज्यादा दे देगा। कई बार क्या होता है कि ट्रेनिंग्स आवर में पैसे भी नहीं देते, ऐसे फ्री में भी काम करा दो, लेकिन ये एक है रूल है यूके में कि आप 2 घंटे से ज्यादा आपको कोई नहीं करा सकता काम फ्री में। मिनिमम आप 2 घंटे फ्री में काम कर सकते हो ट्रेनिंग शिफ्ट पे, उससे ज्यादा अगर कोई बोल रहा है तो आप उसके ऊपर एक्शन कर सकते हो। क्योंकि बात यह है ना कि अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आके फीस निकालने का, तो मुश्किल है फीस निकालना, देखो फीस निकालना मुश्किल है, लेकिन आप गुजारा कर सकते हो। आप अपना रहना खाना पीना घूमना ये सब, आपकी शॉपिंग भी आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फीस निकालना थोड़ा मुश्किल है, डिपेंड करता है आपकी फीस कितनी है। अभी हम जो यहाँ पे आए हैं हमारी फीस काफी ज्यादा है, 25 लाख 30 लाख ऐसी हमारी फीस है, और रहने का वगैरह अलग है, ठीक है। तो इसलिए फीस निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी फीस कम है, समझो 10 लाख वगैरह आपकी फीस है, तो निकल जाएगी, है ना। बिल्कुल 10 लाख के आसपास अगर आपकी फीस है, 10-12 लाख, तो आप फीस निकाल सकते हो आराम से। लेकिन उससे ज्यादा अगर आपकी फीस है तो थोड़ा मुश्किल होगा। 9.50 होता है, तो उसके हिसाब से अगर आप 20 आवर्स करते हो तो ऑलमोस्ट लाइक 750-800 pounds के आसपास या उससे ज्यादा भी हो जाता है महीने का। हाँ, महीने का। एंड इसके अलावा आपका टिप्स भी मिलती है। हाँ, रेस्टोरेंट में काम करोगे तो आपको टिप्स भी मिलेगी। मिलेगी तो महीने का आप आराम से 700-800 pounds 20 घंटे अगर करते हो तो कमा सकते हो, 700 के आसपास, 700-800, मतलब 70-80 हजार आप आराम से आपका यूनी का काम करके सब करके आप कर सकते हो चिल करके। और 20 hours इज नॉट टू मच टू बी ऑनेस्ट। हाँ, वो एकदम इजीली हो जाते हैं, वो फ्लेक्सिबल होता है तुम्हारे हिसाब से। तुम्हें पूछा जाता है कि तुम कब अवेलेबल हो काम करने के लिए, उस हिसाब से फिर आप अपना स्केड्यूल बताएं, उसके बाद फिर वो एडजस्ट हो जाता है, 20 hours कंप्लीट हो जाते हैं। 20 hours तो हो जाते हैं, लेकिन डिपेंड है, मैंने जैसे बताया एक्सपीरियंस अगर है तो आपको सब दे देंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक होती है कि भले लाइक ड्यूरिंग एकेडमिक्स आप जो अपन पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, उसके अलावा ड्यूरिंग कोर्स आपको एक ब्रेक मिलता है। हाँ, जो एक तो डिपेंडिंग अपन द इनटेक, वो एक तो समर ब्रेक होगा या विंटर ब्रेक होगा, वो ऑलमोस्ट लाइक 2-3 महीने का हो जाता है या लाइक रहता है, लंबा ब्रेक होता है। तो उस ब्रेक के टाइम आप 40 hours एलिजिबल हो जाते हैं, आप 40 hours तक काम कर सकते हो, और उस केस में आपके एक्सपेंसेस निकल सकते हैं, बाकी सारा आपको सब समझ में आ जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है जॉब मिलना भी। अब मैंने बस ये एक प्रोटीप हमने जो बताई है कि आप एक्सपीरियंस ले लें और थोड़ा ट्रेंड होके आइए, कि और थोड़ा खाना भी सीख के आइए, खाना बनाना ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। तो आप अगर हफ्ते में 3 दिन काम करोगे ना तो आपके 20 hours कंप्लीट हो जाएंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड्स पे ही आपको सब लोग बुलाएंगे, वीकेंड के अलावा आपको बहुत कम, अगर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस हो तभी आपको बुलाएंगे। तो आप फ्राइडे सैटरडे संडे का ही आपका जॉब रहेगा और नॉर्मली आप बाकी टाइम यूनी कर सकते हो। तो ये सीन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप जॉब करने वाले हो यहाँ पे आके पार्ट टाइम में, ये एक एक्स्ट्रा प्रोटिप हम लोग आपको दे रहे हैं कि आप एक बाइक ले लें। क्योंकि अगर आपको अकोमोडेशन का जो भी सीन है उसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाएंगे, आप जहाँ पे भी रह रहे हैं आपको एक बाइक लगेगी एक इजी कम्यूट के लिए, ताकि आप वर्क प्लेस से यूनी से घर ये सब कम्यूट अच्छे से कर पाए। इसके लिए बाइक लेना, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, बाइक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक प्रो टिप है। अब सबसे मेन चीज बाइक और बाइसिकल में बहुत कंफ्यूजन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बाइक का मतलब ही बाइसिकल है, मतलब साइकिल, जो हम इंडिया में जो साइकिल बाइसिकल जो होती है, जो होती है नॉर्मल यूज करते हैं, वो यूके में बाइक बोलते हैं, उसको बाइक बोलते हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होगी गाइस, प्लीज डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम है ट्रैवलर। तो भाई बहुत मेहनत कर रहा है वीडियो बनाने के लिए, और ऐसी प्रो टिप देते रहेंगे हम लोग, इसलिए ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते हो, ट्रैवलिंग के वीडियोस देते रहेंगे। तो तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय, हम भी जाते हैं घर अभी।